विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय विमेंस टीम अपने शुरुआती तीन मुकाबले खेल चुकी है, जबकि चौथा और आखिरी ग्रुप मुकाबला ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम के खिलाफ खेला जाएगा। भारतीय विमेंस टीम और ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम के बीच मुकाबला 13 अक्टूबर को खेला जाना है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले में कैसी हो सकती है भारतीय विमेंस टीम की प्लेइंग 11 और साथ में जानेंगे कि आप इस मुकाबले को कब, कहां और कितने बजे से देख सकेंगे लाइव। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय टीम के अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने अपने शुरुआती तीन मुकाबले खेल लिए हैं। पहले मुकाबले में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के हाथों 58 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की और पाकिस्तान विमेंस टीम के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की। तीसरे मुकाबले की बात करें तो तीसरे मुकाबले में एक बार फिर से भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया और श्रीलंका विमेंस टीम को मात दे दी है। भारतीय विमेंस टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 172 रन बनाए थे। शुरुआती दो मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन तीसरे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। ओपनिंग बल्लेबाज सैफ अली वर्मा ने जहां 40 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली, तो वहीं स्मृति मंधाना ने मात्र 38 गेंदों पर एक बेहतरीन अर्धशतक जड़ा। स्मृति मंधाना 50 रन बनाने के बाद आउट हो गई थी। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो हरमनप्रीत कौर ने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और मात्र 27 गेंदों पर 52 रनों की तूफानी पारी खेली। भारतीय टीम ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया और श्रीलंका को जीतने के लिए 173 रनों का लक्ष्य दिया था। शुरुआती तीन मुकाबलों की तरह इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और श्रीलंका की टीम को मात्र 90 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की और सभी गेंदबाजों को विकेट मिले। अरुंधति रेड्डी ने जहां 3 विकेट लिए, तो वहीं आशा शोभना को भी 3 विकेट मिले थे। इसके अलावा रेणुका ठाकुर को भी 2 विकेट मिले। भारतीय टीम ने अपने शुरुआती तीन मुकाबलों में से 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है। अब यहां से अगर भारतीय टीम को सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है तो अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम के खिलाफ होने वाला यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने शुरुआती दोनों ही मुकाबलों में बड़े अंतर से जीत हासिल की है। हमेशा से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ संघर्ष करती हुई नजर आई है। अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मुकाबला हार भी जाती है, तब भी भारतीय टीम को कोशिश करनी होगी कि भारतीय टीम नेट रन रेट के मामले में न्यूजीलैंड से बेहतर हो। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में भारतीय विमेंस टीम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वस्त्रकार पिछले दो मुकाबलों में नहीं खेली है, चोटिल होने की वजह से वो प्लेइंग 11 से बाहर थी, लेकिन इस मुकाबले में उनकी वापसी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में अगर हम भारतीय विमेंस टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो स्मृति मंधाना, सैफ अली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिक्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्रकार, श्रेयंका पाटिल, आशा शोभना और रेणुका सिंह को मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम को हरा पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।